हैं कि रास्ते बहुत खतरनाक है यार। रास्ते भी क्या करें, कब तक बनाएं, कब तक करें क्या, यहाँ कोई वो है नहीं, गवर्नमेंट की रोड तो है नहीं। ये एक डैम वालों की रोड है ना, ये जो नीचे डैम है, डैम की रोड है, HPSC की रोड है ये। तब तो कंपनी वाले तो क्यों ही करवाएंगे काम, हाइड्रो प्रोजेक्ट वाले जो होते हैं वही ये रोड बनाते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं इनकी गांव की। पर ये हर बारिश में, लैंडस्लाइड में टूटती रहती है सड़कें, सब ज़्यादा ये बारिश के टाइम पे ही टूटती है। बारिश से भी टूट, पानी से भी टूटती है, ऊपर से लैंडस्लाइड और हो जाए तो बचे क्या, क्या अब इतने खतरनाक पिच जाए, अगर किसी के ब्रेक ना लगे ना तो सीधा खाई में जाए नीचे। ये रोड का व्यू है और ऊपर आसमान में ये पहाड़ों का व्यू है। कुछ लोग नीचे से भी ट्रैक करके आते हैं, डायरेक्ट ट्रैक करके आते हैं, क्योंकि अगर किसी को ट्रैक करना हो तो ठीक है, अच्छा रहता है, क्योंकि चाहे फोर व्हीलर से क्या हो, चाहे टू व्हीलर से लेके आओ, ट्रैफिक का एक हिस्सा बन जाओगे। इससे अच्छा है कि पैदल से तीन चार किलोमीटर का पड़ेगा लगभग, तो इससे अच्छा है कि आप पैदल चलो, कहीं रुकना ना पड़े आपको। और ऊपर से अगर बारिश होना तो इस टाइम पे तो व्हीकल लेके मत आओ, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है, ये मिट्टी फिसलने वाली है। और ठंड इतनी हो जाए, माइनस में जा चुका है टेम्परेचर, 3-4 डिग्री माइनस होगा अभी, चारों तरफ धुंध और कोहरा और माइनस के अंदर टेम्परेचर। हेलो गाइस, बेस्ट ऑफ लक। नीचे रिवर कौन से, पार्वती रिवर होगी ना? हाँ, ये पार्वती रिवर का ही पार्ट है, वहाँ से दोनों रिवर्स आती हैं। रिवर से कई पार्ट है, वो हर एक पार्ट से मतलब रिवर नीचे की तरह आ जाती है, झरना बन के। मेन पार्वती रिवर तो ये जो आपको लेफ्ट साइड दिख रही है वो है, और उसमें आके एक इसका ही कोई पार्ट मिलता है। ये बरसेनी गांव है जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था ना, वो बरसेनी गांव है। यहाँ से बरसेनी गांव से खीरगंगा का और तोस के लिए चढ़ाई ऊपर हो जाती है, तो खीरगंगा का ट्रैक स्टार्ट हो जाता है बरसेनी गांव से। और ये सामने इस जबरदस्त व्यू आया है, पूरे देवदार के पेड़ हैं, ऊपर पहाड़ी खूबसूरत बर्फ है। वाव, व्हाट अ सीन, जस्ट लुकिंग ए वाव, so beautiful, so elegant, just looking like a wow. ये नीचे वाला जो गांव दिख रहा है ये बरसेनी गांव है। यहाँ पे नीचे कैंपिंग करने का मजा आ जाए, अगर नदी में पानी कम, सिल्ट आपको सिल्ट आ चुकी है नदी के अंदर, क्योंकि आफ्टर फ्लड और फ्लो भी तेज होता है, तो फ्लो के कारण सिल्ट आ जाती है नदी के अंदर, तो चारों तरफ सिल्ट सिल्ट डिपॉजिट हो रखी है, तभी निकाल लेंगे सिल्ट, इलीगल या लीगल दोनों तरीकों से निकाल लेंगे, और फिर इसके बाद में रिवर अपने पुराने व्यू पे आ जाएगी। और आप इस पॉइंट से इसकी ट्रैकिंग शुरू होती है, यहाँ तक पीछे गाड़ी आती है, लिए ऊपर जाना पड़ता है। खीरगंगा का ट्रैक नीचे से स्टार्ट होता है, ये राइट साइड से खीरगंगा स्टार्ट हो जाता है, और लेफ्ट साइड से ऊपर चले जाओगे तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे चल के तोस विलेज जो सामने दिख रहा है, ये वाला विलेज 3-4 किलोमीटर आगे पड़ता है। अगर आप फोर व्हीलर भी लेके जाते हो तो आराम से जा सकते हो, लेकिन ट्रैफिक का हिसाब बन जाओगे, आप ट्रैफिक फंस जाओगे। इससे अच्छा है या तो पैदल जाओ या टू व्हीलर लेके जाओ, और अब एक्सपर्ट ड्राइवर ना हो तो ना ही जाएं, क्योंकि रास्ते बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। और यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है नीचे जो पार्वती नदी पे बना हुआ है, ये दो नदी और दो एक ही नदी बन जाती है दोनों, ये दो अलग अलग धारें आती है ऊपर से,
आज की बात करें तो यह -2 डिग्री टेम्परेचर दिन में है और रात में यह -10 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, काफ़ी ठंड है। और ये बरसैनी विलेज कसोल से थोड़ा आप कसोल से चलते हैं तो आगे मणिकर्ण गुरुद्वारा और उससे आगे चलते हैं तो ये मान के चलो अभी 25 से 30 किलोमीटर आगे चलने के बाद में ये बरसैनी गांव आता है। बरसैनी गांव से यहाँ की खीरगंगा ट्रैक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और तो उसके लिए ऊपर ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो जब कभी भी इधर कसोल आओ आप तो इस गाँव का कल्चर ज़रूर देखो, इस गाँव की खूबसूरती देखो, ये चारों तरफ से बर्फ़ से ढका हुआ ये खूबसूरत नज़ारा जो आँखों में हम कैद कर रहे हैं, कैमरा पता नहीं बयान कर पा रहा नहीं कर पा रहा। यहाँ के सेब के बगान वगैरह भी हैं इधर और ज़्यादातर यहाँ पे देवदार की पेड़ ही हैं और हाइट पे घर आप देखोगे तो एक गिने चुने घर, एक एक दो दो घर पहाड़ों की चोटियों पर भी स्थित हैं। लेकिन थोड़ा ये विंटर का टाइम में यहाँ पे स्नोफॉल बहुत हैवी हो जाता है, दो दो तीन तीन महीने तक ये कनेक्शन कट जाता है गाँव से, ऐसी हालत होती है। और ये लोकेशन यहाँ पे अगर आप ढाबा बना हुआ छोटा अगर चाय पानी पीते हो यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ से भी। रिवर बताएँ ऊपर बर्फ भी है, स्नो भी है और ये रास्ते ठंड का गंदा जाए टाइम पर वाटरफॉल बहुत ठंडे वाटरफॉल डाबे वगैरह थे यहाँ पे पानी नीचे के तरह के नीचे से पानी निकलता रहता था और यहाँ पे सोने लगी रहती थी, कम से बर्बाद हो गया। वाली अपने आप में बहुत खूबसूरत है, चार बजे ये हालत मौसम का अंधेरा हो चुका है बिल्कुल।